वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शेख सुफियान, एक करियर काउंसलर, कोच, होस्ट और आपका दोस्त। वंस अगेन आई केम बैक विद अ न्यू करियर सीरीज, दैट इज करियर इन लॉ। ये करियर सीरीज लेकर आया हूं मैं। आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, सो दैट पीपल एंड स्टूडेंट्स विल गेट टू नो अबाउट दिस करियर फील्ड्स एंड दे कैन फ्लरिश इन। अभी आगे बढ़ते हैं हम, कि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक ओवरऑल व्यू अबाउट अ क्रिमिनल लॉयर होता कौन है, क्या करता है, और साथ ही साथ उसके कोर्स ड्यूरेशन के बारे में देखे थे। इफ यू हैवंट चेक्ड आउट दैट वीडियो, सो वीडियो को यहाँ पर लिंक कर चुका हूँ, इस बटन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो वो वीडियो को। अभी आगे बढ़ते हैं हम, कि एकेडमिक जर्नी और स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको दूंगा मैं, कि क्रिमिनल लॉयर आप कैसा बन सकते हो उसके बारे में एक मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा। जैसे कि आपको 12 कंप्लीट करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12 कंप्लीट होने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है फॉर लॉ। अंडर ग्रेजुएशन लॉ के अंदर आपको इंटर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके अलावा आपका एनरोलमेंट होगा यूजी के अंदर, दैट इज अंडर ग्रेजुएशन के अंदर। उसके अंदर दो ऑप्शंस रहेंगे, आपको आपके प्रेफरेंसेस के मुताबिक आप चूज कर सकते हो, दैट इज LLB 3 years का प्रोग्राम होता है, और सेकंड ऑप्शन जो होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। तो LLB 3 years का प्रोग्राम होता है, वही हम इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें तो 5 years का प्रोग्राम होता है। LLB दैट इज बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ये भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जाम्पल BA LLB, दो टाइप की आपको डिग्रीज मिलती है, ये एक टाइप हो गया, और बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं जो कि 5 years का ड्यूरेशन प्रोग्राम होता है। जैसे ही आपका अंडर ग्रेजुएशन कम्प्लीट होता है, वेदर इट इज 3 years प्रोग्राम, वेदर इट इज 5 years प्रोग्राम, आपका अंडर ग्रेजुएशन जैसे ही कम्प्लीट होता है, आप एलिजिबल होते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ जो होता है, उसके लिए आपको एक स्पेशलाइजेशन कोर्स सिलेक्ट करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन कोर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ बोलकर एक कोर्स होता है, वो आपको स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करना पड़ता है, और ये जनरली कोर्स ड्यूरेशन होता है मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ का 2 years तक। और उसके अलावा अभी बात करते हैं कि जैसे आपका अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम इन द क्रिमिनल लॉ, वैसे ही आप एलिजिबल हो क्रिमिनल लॉयर बनकर। आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके लिए आपको साथ ही साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग जॉब्स सर्च आउट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के बारे में देखना पड़ेंगे, तो कौन कौन से जॉब रोल्स अवेलेबल होते हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, इन सारे के बारे में आने वाले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज।